फ्रूटी ट्रक स्विमिंग पूल। निशापुर के गांव में भैरवराज कहकर एक बड़ा व्यापारी रहता था। वो बहुत भ्रष्टाचार करके करोड़ों कमाकर और भी धन की प्यास नहीं बुझने से उस गांव में देसी दारू का दुकान लगाकर दारू बनवाकर बहुत सारे लोगों को दारू पीने का आदत करके उनको गुलाम बना दिया। अगर कोई भी उनके खिलाफ गए तो उनके अनुगामियों से उन लोगों का पिटाई करवा के उनका मुंह बंद करा देता था। एक बार एक साधु पैदल यात्रा करते हुए उस गांव से जाने लगा और उधर मंदिर के पास कुछ देर रुका। मंदिर में आए कुछ औरतें उस साधु को प्रणाम करके उनको फल दिए। वो साधु खुश होकर, आप आपके जिंदगी को खुश और आनंद से जी रहे हैं ना, कहकर पूछा उनमें से एक औरत। क्या खुशी है स्वामी, हमारे मुश्किल के बारे में किसको बताएं? हमारे घरों के मर्द को उस भैरव राजू जो बेचता है वो देसी दारू का आदत पड़ गया है। घर में हम औरतों को और भी पैसों के लिए मार रहे हैं स्वामी। अरे नहीं, ये पीने का आदत से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, अच्छे से बोलेंगे तो नहीं सुनते हैं, कहकर उनका झोला से एक डिब्बा को निकालकर उनको देकर, ये जो समस्या जिस जिस के घर में है वो औरतें इसमें से एक चुटकी राख एक ग्लास पानी में मिलाकर उनका पतियों को पिला दीजिए, वे फिर से दारू के पास नहीं जाएंगे, कहकर आशीर्वाद दिया। वे औरतें उस डिब्बा को प्रणाम किए। स्वामी जी ने जैसे कहा वैसे ही वो औरतें उनके पति लोगों को वो राख पानी में मिलाकर पिलाए। तब से वे लोग दारू पीना छोड़ दिए। भैरवराज एक दिन गुस्सा होकर, अरे इन मर्दों को क्या हुआ, भूत चढ़ गया है क्या, एक भी दारू पीने के लिए नहीं आ रहे हैं? ऐसा है तो मुझे कितना लाखों में नुकसान होता है पता है, कहकर चिल्लाया। तब एक अनुगामी, मालिक सच में इन मर्दों को कुछ हो गया है, इससे पहले तो हर एक कम से कम आधा डजन के गिलास का दारू पानी भी मिलाए बिना यूं ही पी लेते थे, लेकिन परसों से 3 ग्लास पिए तो 1 ग्लास फ्री है कहकर कितना भी कहने से बिना सूंघे भी चले जा रहे हैं मालिक, कहा। तब भैरवराज, ऐसा नहीं होगा, इन मर्दों को और उनके औरतों को भी नशा में नहीं डुबाया तो मेरा नाम भैरवराज ही नहीं, कहकर उनका अनुगामियों से क्या करना है बताया। वो सुनकर उनका अनुगामी, अरे वह मालिक बहुत अच्छा है, इस झटके से पूरा गांव नशे में डूब जाना ही जाना है, कहा। एक हफ्ते के बाद भैरवराज का दारू के दुकान पूरा बंद करके उस जगह में कूल ड्रिंक शॉप लगाए। उस कूल ड्रिंक का नाम पीलो कोला। छोटे बड़े औरत और बूढ़े सब लोग उस कूल ड्रिंक पीना शुरू किए। एक औरत बगल वाली चाची जी से, आज हमारे घर में खाना ही नहीं बनाया, हर एक चार चार पीलो कोला पीकर सो गए हैं, बोली। तब चाची जी, हाँ सच में पीलो कोला पीने से कुछ अलग सा खुशी मिल रहा है, खाना तो बिल्कुल ही नहीं जा रहा है, बोली। एक तरफ राजधानी में फ्रूटी रस सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी का बोर्ड मीटिंग चल रहा था। मीटिंग में मैनेजिंग डायरेक्टर बात कर रहा था, आप सब सुने होंगे निशापुर में एक नया लोकल सॉफ्ट ड्रिंक को निशापुर के लोग बहुत दिलचस्पी से पी रहे हैं कहकर, उस ड्रिंक के वजह से उस गांव के लोगों का जीवन पूरा ऊपर नीचे हो गया है कहकर, और उस गांव के लोग बहुत सारे बीमारी के शिकार बन रहे हैं कहकर सुने होंगे, हम तुरंत कुछ करके उस जहरीले ड्रिंक को लोग नहीं खरीदे जैसा करना है, कहा। एक मेंबर, ये जिम्मेदारी तो उधर के अधिकारियों को लेना चाहिए, आप क्यों बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं, पूछा। तब वो कंपनी का MD, क्योंकि वही गांव में मैं पैदा हुआ और बड़ा था, मेरे गांव के लोग ऐसे बिगड़ रहे हैं तो इन्वॉल्व होने का मॉरल बॉन्डिंग मुझ में है, और मुझे मिले हुए रिपोर्ट्स के हिसाब से उस ड्रिंक में दारू के साथ साथ गांजा का एक्सट्रैक्ट भी मिले हुए है कहकर पता चला। इतना ही नहीं, ये ड्रिंक लोकल में भैरवराज नाम का एक बुरा आदमी का है और वो उधर का अधिकारियों को पैसे देकर खरीद लिया है कहकर पता चला, कहा। तब और एक मेंबर, फिर तो हमारा कंपनी के तरफ से हमें क्या करना होगा सर, कहकर पूछा। तब MD, हम उस पीलो कोला पीने का आदत को छुड़वाने के लिए उधर बच्चों को और बड़ों को सेहतमंद ऑर्गेनिक फलों से तैयार किया हमारा फ्रूटी रस का ड्रिंक को आदत करना है। ऐसा हमारा ड्रिंक को केवल उस गांव में ही नहीं अगल बगल गांव में भी हमारा ड्रिंक मशहूर होना है, उसके लिए क्या करना है कि, कहकर उसका प्लान बताया। अगले दिन सुबह एक घर में एक पति, सुना मैं ऐसा मार्केट में जाकर पीलो कोला लेकर आता हूँ, थैली दो, कहकर पूछा। तब वो औरत थैली देते हुए, आजकल आप बहुत कंजूसी करके थोड़ा ही पीला कोला ला रहे हैं, ससुर जी और सासू माँ तो सुबह में केवल 2 ही दे रही हो कहकर पूछ रहे थे, रात में कम से कम 4 देने के लिए पूछ रहे हैं, इसलिए कंजूसी छोड़कर 4 किलो पीला कोला लेकर आना, बोली। तब पति, तुम्हें क्या कितना भी किलो लाने के लिए कहती है, महीना खत्म होने को आया है तो इतने सारे किलो कहाँ से लेकर आ सकता हूँ, परिवार कहे तो थोड़ा समझौती करना चाहिए, कहकर थैली लेकर बाहर गया।
बाहर आकर गली में जा रहा था तो बहुत सारे लोग एक तरफ भागते हुए नजर आए। तब एक को रोककर, क्या है, क्या हुआ है सबको, भूकंप आ रहा है कहकर टीवी में बताया है क्या, क्यों ऐसे भाग रहे हैं? तब वो आदमी, हमारे गांव में सूखा हुआ तालाब में बड़े बड़े ट्रक्स में से बड़े बड़े बॉटल्स में फ्रूटी रस ड्रिंक लाकर भर रहे हैं कहकर सुना, अब तक आधा तालाब भर गया है, सब लोग वो ड्रिंक पीने के लिए तालाब के ओर भाग रहे हैं, कहकर वो भी भाग कर जाने लगा। तुरंत ही वो घर में जाकर ये बात सबको बताकर उनकी बीवी को लेकर तालाब के ओर भागा। तालाब के पास एक ट्रक में से फ्रूटी रस उस तालाब में गिर रहा था। कुछ लोग तो अपने हाथों से उस रस को पी रहे थे, कुछ लोग तो बर्तनों में भरने लगे और तालाब में कुछ लोग उस फ्रूटी रस में नहाते हुए तैरते हुए बहुत मजा ले रहे थे। कुछ लोग नाव में उस फ्रूटी रस में घूमने लगे। दूर से बाइनोक्लस में ये सब देख रहा फ्रूटी रस का MD खुश होकर, अब मेरे गांव वालों को इस फ्रूटी रस का आदत पड़कर उस पीलो कोला के और नहीं जाएंगे और अखबार वाले और टीवी चैनल्स वाले तो इसे कवर करके बड़ा पब्लिसिटी भी देंगे। 2 दिन में इस तालाब में फ्रूटी रस खत्म होने के बाद हमारे फ्रूटी रस के लिए लोग हमारे शॉप के आगे लाइन में खड़े हो जाएंगे, कहा। इस झटके से भैरवराज उसका पीलो कोला दुकान को बंद करके गाँव छोड़कर चला गया।